नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी में वाटिका होटल में भाजपा द्वारा इच्छुक प्रत्याशियों का इंटरव्यू हुआ। गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा आने वाली है उतनी विधानसभाओं के इच्छुक प्रत्याशियों का इंटरव्यू हुआ। वहीं पर दीपाली दिनेश पाटिल ने भी इंटरव्यू दिया। आइए जानते हैं दीपाली के पति दिनेश पाटिल से क्या उनकी मांग है और किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आइए जानते हैं दिनेश पाटिल समाज सहयोग से पहले ही खास मुलाकात आयोजन किया, उसमें इच्छुक उम्मीदवारों को बुलाया गया। उसमें आपने भी मांग की है भाजपा से टिकट की पूर्व से, क्या है पूरा मामला? मैं दिनेश पाटिल, मेरी मिसेज दीपाली दिनेश पाटिल, मैंने मांग की है दीपाली पाटिल के लिए। वो नगर सेविका है फिलहाल, अच्छा काम चल रहा है हमारे वार्ड में, लोगों से अच्छा जिधर काम नहीं हो रहा उधर हम कर रहे हैं फिलहाल। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग पार्टी ने ऐसे एक किए कि इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है। इच्छुक में अपने एक ही है, दीपाली पाटिल का नाम दिए और हमें विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी पे, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के ऊपर, हमारे कपिल जी पाटिल साहब, महेश चौगुले हमारे अध्यक्ष, मेरे गुरु नीलेश चौधरी, सबके पर भरोसा है। क्योंकि एक ही है कि आप कपिल पाटिल साहब के क्षेत्र में छः विधानसभा क्षेत्र है, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, भिवंडी ग्रामीण, कल्याण पश्चिम, बदलापुर मुरबाड और शाहपुर, ऐसे छः विधानसभा क्षेत्र है। वो छः के छः विधानसभा क्षेत्र में सभी जेंट्स लोगों ने मांग की है। इसमें महिला अलग ये है, मैंने एक ही हमारे छः के छः विधानसभा क्षेत्रों में एक ही लेडी ने मांग की है, वो दीपाली पाटिल के नाम की है। तो मुझे भरोसा है, पार्टी के ऊपर विश्वास है कि पार्टी हमें हमारा दीपाली पाटिल का विचार करेगी। सर, अब तक तो युति है, युति टूटी नहीं है, जो भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी, बात ऐसी है क्या शिवसेना बीजेपी युति है? हम मैं बोल रहा हूँ युति है, युति का जिसको भी टिकट मिले उसका काम हमें करना है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ही टिकट मिलना मांगता है, टिकट मिला तो हम लड़ेंगे, टिकट जिसको भी मिला, हम दीपाली को छोड़ के दूसरे किसको भी मिला पक्ष का टिकट, वो पक्ष का काम करना हमारा फर्ज है और हम पक्ष का दिलो जान से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मगर एक है कि लेडीज करके पार्टी भी सोचेगी, क्योंकि पांच जगह भी जेंट्स एक लेडीज का भी नाम सूचित कर सकती है। और हमें विश्वास है कि हमें टिकट मिलना मांगता है और मिलेगा। नहीं सर, अभी पूर्व से सेना है, पश्चिम से बीजेपी है, युति है, अभी युति का चल रहा है, पार्टी ने मांगा है आपसे इच्छुक उम्मीदवार, क्या आने वाले समय में युति टूटने वाली है या युति रहेगी तब आप किसका काम करेंगे, किस तरह से? जो भी है, पार्टी शिवसेना का टिकट मिला क्योंकि पूर्व में पहले है रूपेश जी म्हात्रे साहब, ये MLA है फिलहाल। अभी पार्टी ने हमारी जो मुलाकात चालू थी उसमें पार्टी वालों ने हमारे जो थे साहब हमारे शेट्टी साहब, उन्होंने तो खुद बोला क्या बात ऐसी है कि पार्टी जब ये होता है युति होती है तो युति का टिकट शिवसेना को जाने वाला है, तो आप क्या, तो बोला जाएगा टिकट जाएगा शिवसेना को, हमको काम करना है, युति धर्म पालना है, युति के लोगों का जो कहना है, हमारे जो फडणवीस साहब का, कपिल जी पाटिल साहब का, इनका जो कहना है उनको हमें मानना है, उनका पालन करना है हमें। तो आपने मांगा है दीपाली पाटिल के लिए, पूर्व के लिए आपने टिकट मांगा है, अगर युति नहीं रही और अगर पार्टी ने सोचा आपके लिए तो आप दीपाली पार्टी को टिकट मिलना चाहिए, ऐसी आपकी मांग है? हाँ, वही मांग है। और हमें 101% शाश्वत है कि हमको टिकट मिलेगा, क्योंकि हमारे मेरी वाइफ दीपाली पाटिल नगर चौक के लिए भी, बात ऐसी है क्या 20 मिनट पहला मेरे को फॉर्म मिला था, भगवान ना करे ऐसी पहली गलती ऐसी हुई थी हमारी कि 20 मिनट पहला थी फॉर्म आया, फॉर्म मेरे हाथ में जेरोक्स आया, उसने क्या किया जितने लाके दिया एक ओरिजिनल और जेरोक्स, तो जेरोक्स जोड़ी गई उसमें ये नहीं किया, मगर निर्दलीय चुन के आए। उसके बाद DPDC की मेंबर भी ऐसी ही गई थी, हमारा अस्मिता चौधरी मैडम का नाम था,
टाइम पे दीपाली पाटिल का नाम डिक्लेयर हो गया, क्योंकि मेरे को विश्वास है कि दीपाली पाटिल के नाम पे कुछ ना कुछ अच्छा ही है। मेरे को यही लग रहा है कि अभी भी दीपाली पाटिल का ही नाम आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरी देवी माँ पीछे ही है, भरोसा है भगवान के ऊपर आ रहा है। अभी गणपति फिलहाल है, तो मेरे को विश्वास है, भरोसा है कि दीपाली पाटिल का नाम डिक्लेयर होगा। थैंक यू सर।